हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना कैसे भिगोते हैं उसका मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम साबूदाना भिगोने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का साबूदाना लिया है 1 कप, और पानी चाहिए साबूदाना भिगाने के लिए और साबूदाना धोने के लिए। एक बड़े से बोल में ये साबूदाना डाल देंगे और इसे 2 बार पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हमेशा साबूदाना धोते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज्यादा मसल के नहीं धोना है। बस इस तरह से हल्के हाथों से पानी के अंदर मिलाते हुए इसके अंदर का हम पानी निकाल के फेंक देंगे। मैंने इसे 2 बार धो लिया है पानी डाल के अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। जितना साबूदाना लिया है उतना ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 कप साबूदाने के अंदर 1 कप पानी। इसके अंदर अगर आप गलती से बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो साबूदाना है बहुत ही चिपचिपा बनता है। हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर कम ही पानी डालना है। आप यहाँ पे इसे देख के अंदाजा लगा सकते कि मैंने इसके अंदर कितना पानी डाला है। आधे इंच से भी कम है पानी इसके अंदर, इतना। अब हम इसे 5 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। इसके ऊपर लीड लगा के साइड में रख देंगे 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए। यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं साबूदाना भीग के। अब हम इसे खोल के देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर का जो पानी था वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, और साबूदाने की डबल साइज हो चुकी है और बहुत ही खुले बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं साबूदाना पूरी तरह से नरम हो चुका है, अच्छी तरह से भीग चुका है। एक खिचड़ी बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं साबूदाना भीग के। अब हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए शुरू करेंगे। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए भीगे हुए साबूदाने। यहाँ पे मैंने 1 कप लिए है। 1/2 कप कच्ची मूंगफली, इसे हम बाद में रोस्ट करने वाले हैं। मूंगफली को हम भून के बाद में इसके ऊपर के छिलके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 ली है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 1 कच्चा आलू लिया है। आप चाहे तो बॉइल आलू भी ले सकते हैं। इसके ऊपर का मैंने यहाँ पे छिलका निकाल लिया है। इसे स्लाइस में कट कर लेना है इस तरह से। मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतले पतले स्लाइस में 1 आलू है कच्चा। 2 छोटे चम्मच घी, आप चाहे तो यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, अगर आप उपवास में व्हाइट नमक खाना नहीं पसंद करते तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 नींबू और थोड़ा सा करी पत्ता। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करने वाले, इसे भून लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। कढ़ाई यहाँ पे गरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कच्ची मूंगफली। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। ये भून के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसके ऊपर के हम सारे छिलके निकाल लेने वाले हैं। मैंने आप इसके ऊपर के जितने हो सके उतने छिलके निकाल लिए हैं इस तरह से। अब हम इसे क्लीन कर लेंगे। इसके अंदर के सारे छिलके मैंने निकाल के इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। मैंने मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है इस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बड़े बड़े टुकड़े भी हैं मूंगफली के। इस तरह से इसे पीस लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भीगे हुए साबूदाने उसके अंदर ये मूंगफली का पाउडर डाल देंगे इस तरह से, और इसे साबूदाने के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे।
मूंगफली का पाउडर मैंने यहाँ पे साबुदाने के अंदर अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कटे हुए आलू जो हमने पहले स्लाइस में कट करके रखे थे। इसे सबसे पहले भून लेना है अच्छी तरह से ताकि ये पक जाए। इसे जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। आपको मैं एक इंग्रेडिएंट्स दिखाना भूल गई थी। जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी उसके अंदर जीरा नहीं था, भूल गई थी मैं जीरा दिखाना। तो इसके अंदर एक छोटा चम्मच जीरा डालना है, उसे भी कुछ सेकेंड के लिए मैंने भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। इसे हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू पूरी तरह से पक चुका है, नरम हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक साबुदाना जो हमने पहले मूंगफली डाल के साइड में रखे थे, वो इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम लो रखी है, इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि नीचे ना चिपके। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इससे पहले भी आपको बोला अगर आप उपवास के दिन व्हाइट नमक खाना नहीं पसंद करते तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम कढ़ाई को कवर कर लेंगे, एक ढक्कन इस तरह से रख देंगे और इसे लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फिर से इसे मिला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे लो हीट पे पकाया तो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। अगर आप खट्टा नहीं खाना पसंद करते तो नींबू का रस ना डालें। अगर खाना पसंद करते तो नींबू का रस डालने से साबुदाना और भी स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर नींबू का रस डाला है। इसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साबुदाना पूरी तरह से पक चुका है। इसे मिक्स कर देंगे। अगर आप साबुदाने के अंदर हरा धनिया खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हरा धनिया और काली मिर्च पाउडर डालने से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अपना साबुदाना बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी परफेक्ट साबुदाने की खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे रख देंगे। साबुदाना सर्व करने के टाइम पे आप इसे दही के साथ और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसे खा सकते हैं। दही के साथ खाने से साबुदाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ज्यादातर साबुदाना दही के साथ ही खाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसे लाइक करिएगा। और भी अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।